As you can see now, Realme UI 2.0 beta schedule में Realme X2 Pro device को last में mention किया गया है Realme की तरफ से। तो भैया बात आ जाती है Realme X2 Pro के डिवाइस में Realme UI 2.0 का बीटा अपडेट कब तक रोल आउट किया जाएगा Realme की तरफ से, एंड इस अपडेट के साथ में हमें कितने कोटाज देखने को मिलेंगे, अपडेट की साइज क्या होगी, अपडेट का फुल प्रोसेस क्या होगा, ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं Realme X2 Pro यूजर की तरफ से। भैया Realme X2 Pro के डिवाइस में Realme UI 2.0 का बीटा अपडेट लास्ट में प्रोवाइड किया जाएगा Realme की तरफ से, जैसा कि आप Realme UI 2.0 बीटा शेड्यूल में देख चुके हैं। अब बात आ जाती है भैया Realme UI 2.0 बीटा अपडेट के साथ में हमें कितने कोटाज देखने को मिलेंगे। भाई ऑफ कोर्स बीटा अपडेट है तो लिमिटेड रहेगा तो कितने फीटों के साथ में ये अपडेट हमारे डिवाइस में प्रोवाइड किया जाएगा Realme तरफ से। तो भैया ये अपडेट आपके डिवाइस में फर्स्ट टाइम अप्रॉक्स 500-1 के कोटाज के साथ में रोल आउट किया जाएगा। जहां पे एक बात और है भाई, आपको यहां पे लिमिटेड कोटाज रहेंगे तो आपको एक्टिव रहने की जरूरत है, तभी आप नए डिवाइस में Realme UI 2.0 के बीटा स्ट्रीम कर सकते हैं, अन्यथा आपके डिवाइस में बीटा अपडेट देखने को मिलेगा ही नहीं। अगर वहीं बात की जाए अपडेट के साइज के बारे में, तो भैया अपडेट की साइज अप्रॉक्स 3GB प्लस में होगी, क्योंकि यहां पर Realme UI वर्जन के साथ ही साथ एंड्रॉइड वर्जन, कलर वाइज वर्जन सब कुछ चेंज किया जाएगा हमारे डिवाइस से, एंड हमारे डिवाइस में काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर को इंक्लूड किए जाएंगे Realme की तरफ से। तो भैया ऑफ कोर्स अपडेट की साइज एक्स्ट्रा तो होगी ही। तो भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पोस्ट का लिंक मिलेगा, जहां पे आप विजिट करके और भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं फॉर Realme X2 Pro Realme UI 2.0 बीटा अपडेट। एंड वहीं पे बात करें ये अपडेट हमारे डिवाइस में किस डेट तक रोल आउट हो सकता है, अपडेट का फुल प्रोसेस क्या होगा, तो भैया अपडेट आपके डिवाइस में अप्रॉक्स में भी 28 दिसंबर के बाद ही रोल आउट किया जाएगा Realme की तरफ से। अब वहीं पर बात करें अपडेट के फुल प्रोसेस के बारे में, देन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफकोर्स आपका डिवाइस 3.34 के लेटेस्ट अपडेट में अपडेटेड होना चाहिए, तभी आपके डिवाइस में Realme UI 2.0 का बीटा सपोर्ट मिलेगा, अन्यथा आपने डिवाइस में Realme UI 2.0 की बीटा टेस्टिंग कर ही नहीं सकते। अगर वहीं पे बात की जाए Realme UI 2.0 के बीटा अपडेट के फुल प्रोसेस के बारे में, भैया Realme UI 2.0 बीटा अपडेट प्राप्त करने के लिए आपका फोन 3.34 के लेटेस्ट अपडेट में अपडेटेड होना चाहिए, एंड उसके बाद आपको अपने फोन के सेटिंग सॉफ्टवेयर एंड टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक सेटिंग वाला आइकॉन देखने को मिलेगा, जहां पे आपको करना होगा सिंपल सा टैप करने के बाद आपको Realme UI 2.0 बीटा अपडेट होगा, एंड वहां पे आपको करना होगा टैप करने के बाद आपको एक फॉर्म को फिलअप करना होगा, जहां पे आपको अपना फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी फिल करना होगा। उसके बाद आपके डिवाइस में विदिन 3 डेज के पहले Realme UI 2.0 का बीटा अपडेट देखने को मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे अपडेट जो होता है तुरंत ही रोल आउट कर दिया जाता है, बट यहाँ पे मैक्सिमम टाइम 3 डेज होता है। 3 डेज के पहले आपके डिवाइस में Realme UI या फिर जो भी मेजर अपडेट को रोल आउट किया जा रहा है किसी भी कंपनी की तरफ से, वो Realme हो या फिर Oppo, आपके डिवाइस में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फॉर दैट फिट एंड बहुत सारा थैंक्स, वीडियो चली वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा।